भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कृत्य नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अपने सरकार अपना दामन बचाने का केवल मात्र प्रयास कर रही है और कुछ नहीं है। और हम लोग जब तकला नीतीश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तकला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा और जनता के बीच में जा करके हम जनता के आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया तेजस्वी यादव को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने जो खून की नदियां बहाने का शुरुआत किया है उसका जवाब बिहार के जनता आपको सड़कों पर ला कर देगी। जब से ममता बनर्जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार गए हैं तब से बिहार को बंगाल के रास्ते पर ले जाने का नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित आने वाला समय बिहार के शांति प्रिय नागरिक इस उदंडता का, इस हमला का जवाब उन्हें सत्ता से उखाड़ कर देगी। ये सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और चीर निंद्रा में सोने की अवस्था में है, लेकिन उनके मौत का जिम्मेदार कौन है ये प्रशासन को बताना चाहिए, ये नीतीश कुमार को बताना होगा। और नहीं तो 2024 में और 2025 में बिहार का एक एक जनता उसका हिसाब मांगेगी। भाजपा के द्वारा आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय के पास विजय सिंह की मौत के बाद धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आज आप लोग धरना दे रहे हैं और सरकार अभी तक जो है जैसी की तैसी है। ये सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और चीर निंद्रा में सोने की अवस्था में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जो बिहार के शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बिहार के अराजकता को लेकर के जो 13 तारीख को शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, आपके एक न्यूज 24 की टीम हर एक जगह मौजूद थी। आपने देखा कि पुलिस के भेष में नीतीश कुमार के गुंडों ने और जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेनामे से पीटने का काम किया, किसी बूढ़े को, किसी महिला को, किसी गिरे हुए व्यक्ति को, किसी भागते हुए व्यक्ति को भी नहीं बख्शा, उसी में हमारे एक मजबूत सिपाही वीर विजय सिंह जो जहानाबाद के महामंत्री थे उनकी शहादत हो गई। उन्हीं के विरोध में हमारे जो धरना और इस महागठबंधन की सरकार, इस कुर्सी कुमार की सरकार, भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री, चार सीटेड उप मुख्यमंत्री की सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। सरकार का कहना है कि उनकी मौत जो है धरना स्थल पर यानी डाक बंगला चौराहे पर नहीं हुई है, उनका मौत छजूबाग की ओर हुआ। आप ही से हम पूछते हैं कि उनकी पत्नी क्या कह रही है, उनकी पत्नी क्या कह रही है। वो पार्टी के महामंत्री थे, वो कहाँ आए थे, किस काम में आए थे, वो गांधी मैदान क्या करने गए थे, उनके बेटे की शादी थी गांधी मैदान में, सैर करने गए थे। और आप हमसे बताइए कि आपको कोई रूम में बंद करके हवाई फायर 5 लोग मारने लगे और आपका हार्ट फेल हो जाए और गोली नहीं लगे तो मौत का जिम्मेवार कौन होगा। हम कह रहे हैं उनका भगदड़ में मौत हो जाए। हम मानते हैं कि उनको तो चोट नहीं लगी है, हम मानते हैं कि उनको कपाट नहीं फटा है, लेकिन उनके मौत का जिम्मेवार कौन है ये प्रशासन को बताना चाहिए, ये नीतीश कुमार को बताना होगा। और नहीं तो 2024 में और 2025 में बिहार का एक एक जनता उसका हिसाब मांगेगी। नीतीश कुमार मौत का जिम्मेवार कौन होगा, तो ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है आज धरना स्थल पर ये देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और एक पप्पू वर्मा है, क्या कहेंगे, धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे, धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया तेजस्वी यादव को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने जो खून की नदियां बहाने का शुरुआत किया है उसका जवाब बिहार के जनता आपको सड़कों पर ला कर देगी।
बिहार का प्रत्येक परिवार ये देख रहा है कि किस प्रकार बिहार के निहत्ते महिलाओं, नौजवानों और बुजुर्गों पर आपने बेदर्दी पूर्वक हमला किया है। आपके प्रशासन ने उन्हें अपराधियों की तरफ पीटने का काम किया है, उसका जवाब आप जब से ममता बनर्जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार गए हैं, तब से बिहार को बंगाल के रास्ते पर ले जाने का नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित आने वाला समय बिहार के शांति प्रिय नागरिक इस उदंडता का, इस हमला का जवाब उन्हें सत्ता से उखाड़ कर देगी। तो लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो रोष दिखा रहे हैं और साफ तौर से हमारे साथ एक घायल भाजपा कार्यकर्ता हैं। कैसे घायल हुए आप लोग? हम लोग गांधी मैदान से शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा मार्च के लिए जा रहे थे। रेडियो स्टेशन और डाक बंगला चौराहा के बीच में प्रशासन ने घेर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया और घेर करके लाठी चार्ज करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घायल किया। इवन जहानाबाद के हमारा महामंत्री को भी उन्होंने चपेट में लिया, जिसके कारण से उनका मृत्यु हुआ। आप घायल हैं, इसका मतलब आप पहली पंक्ति में होंगे। क्या मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया था? पुलिस प्रशासन और फिर जो सरकार है वो कह रही है कि मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया है। सरासर गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक पद्धति से शांतिपूर्ण ढंग से अपना मार्च में जा रहे थे। अगर प्रशासन ने इस तरह का आरोप लगा रहा है, निश्चित रूप से अपने दामन को बचाने का काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फुटेज है सोशल मीडिया में, कहीं भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कृत्य नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अपने सरकार अपना दामन बचाने का केवल मात्र प्रयास कर रही है और कुछ नहीं है। और हम लोग जब तक नीतीश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा और जनता के बीच में जा करके हम जनता के आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को नेताओं का कहना है कि मिर्ची पाउडर का प्रयोग नहीं हुआ है और जो भी घायल कार्यकर्ता है, जाहिर सी बात है कि जो घायल रहेंगे वो अगली पंक्ति में जरूर रहेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और प्रशासन अपने दामन को बचाने के लिए इस तरह के बयान और इस तरह के फुटेज दे रही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज 24 कैमरा मैन विष्णु के साथ, मैं विपुल पटना।